गुलशन गुलशन हुआ उधमपुर। जी हाँ, उधमपुर में आई है बहार, क्योंकि उधमपुर जिले के कोट में ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। जम्मू और कश्मीर अद्वितीय और प्राकृतिक सुंदरता से भरा है, जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में भी पर्यटन वाले कई मनमोहक स्थल हैं। इनमें उधमपुर जिला भी मुख्य रूप से शामिल है, जो प्राकृतिक खूबसूरती से सराबोर है। इन स्थलों में अगर कोई एक बार आता है तो उसका मन बार बार आने के लिए खिंचता है। उधमपुर जिले के फ्लोरिकल्चर पार्क और गार्डन विभाग ने ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ किया है। विभाग ने हाईलैंड पार्क कूद उधमपुर में ट्यूलिप की 5 विभिन्न किस्मों के 12,000 पौधे लगाए हैं। इस वर्ष पहला बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग के सनासर जिला रामबन में लगभग 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। ये बड़ा ट्यूलिप गार्डन लगभग 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में विकसित होगा। 40 कनाल में विभाग ने 25 विभिन्न किस्मों के लगभग 2.5 लाख फूल लगाए हैं। फ्लोरिकल्चर के महानिदेशक जितेंद्र सिंह ने इस पर बताया कि इस वर्ष पहला बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग के सनासर जिला रामबन में लगभग 300 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी लोक कथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने की भी सलाह दी। तो ट्यूलिप हम 2016-17 से लगाते हैं, तो इस बार जो हमने हाईलैंड पार्क जो कुद है जो स्वीट मार्केट के साथ में ही है, तो उसमें 12,000 बल्ब्स जो ट्यूलिप के लगाए हैं। तो इसका जो मोटिव हमारा यही है कि जम्मू में जो जम्मू डिवीज़न था यहाँ पे ट्यूलिप होता नहीं था, तो हमारे J&K में खाली कश्मीर में ही होता है। तो इसलिए कि ताकि यहाँ के जो लोकल सैलानी हैं, जो पत्नीटॉप जाते हैं या माता वैष्णो देवी से घूमने वहाँ पे आते हैं जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए हमने ये ट्यूलिप लगाए हैं। फ्लोरिकल्चर के महानिदेशक जितेंद्र सिंह, पार्क और गार्डन जम्मू के सरपंच कुलदीप कुमार, स्थानीय PRI सदस्यों और विभाग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत को चिन्हित करते हुए पार्क का उद्घाटन किया गया। बीते कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो 15 से 20 हजार पर्यटक यहां घूमने आते थे। इस साल कश्मीर में पर्यटन विभाग पर्यटकों की ज्यादा आमद की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि फरवरी महीने में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक घाटी के नजारों का लुत्फ उठा चुके हैं। आगामी पर्यटन सीजन के लिए खुद को तैयार करने के लिए विभाग काम कर रहा है, ताकि घाटी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता रहे। We'll be right back.